हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं? बच्चों, आज हम देखेंगे कथन, मतलब स्टोरी। एक स्टोरी के जरिए अच्छा क्या है, बुराई क्या है, और अच्छे के साथ हम चलने से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, बुराई सीखने से वो हमारे जीवन में कैसा कष्ट उठाने के लिए हमको सीख देती है। इसलिए हम अच्छा सोच के कुछ अच्छा करना है और बुरा करना है, ये हमारे विचार पर जाता है। यही आधारित पर हम देखेंगे। बच्चों, हम ऐसा एक संगत, मतलब एक कंपनी बनाना है। कंपनी मतलब हमारा मित्रता, और हम जैसे माहौल में जाते हैं, जैसा हम लोग पले बड़े होते हैं और जैसा हम लोग मूव करते हैं, माहौल मतलब अपने हमारी बिहेवियर, जैसा हम लोग बनाते हैं ऐसा हम लोग उसमें ढल जाते हैं। ऐसा ही ये लेसन देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ी जानकारी, संगत का प्रभाव, मतलब इसका प्रभाव, संगति जोतेयिंदा प्रभाव बीरते जोते ओल्लेया जोतेयिंदा, इसको हम देखेंगे। इसके पहले थोड़ी हम जानकारी देखेंगे। मनुष्य तो हम प्रकृति में रहते हैं, है ना बच्चों? हम लोग ये सारा संसार प्रकृति में हम जी रहे हैं। जैसा हम लोग जहाँ जाते हैं ऐसा बन सकते हैं। कैसा बन सकते हैं हम? जैसा हम लोग कर्नाटक में हैं, कन्नड़ भाषा हमारे ऊपर प्रभाव रहती है, कन्नड़ बात करते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे हिंदी बात कर सकते हैं। हम कन्नड़ में ही डिफरेंट देखते हैं, मतलब इधर हम जैसा साफ कन्नड़ बात करते हैं, हम गुलबर्गा रायचूर उधर गए तो डिफरेंट लैंग्वेज में बात करने, मतलब कन्नड़ ही है लेकिन समझने में थोड़ा हमको मुश्किल होती है। ऐसे ही हम महाराष्ट्र में गए तो मराठी बात करते हैं, तमिलनाडु में गए तो उधर तमिल का भाषा देखते हैं, है ना बच्चों? ये भी एक प्रभाव ही है ना भाषा की। जब हम स्कूल में आते हैं, कैसे स्कूल में आने से क्या सीखते हैं? इंग्लिश भाषा सीखते हैं, इधर इंग्लिश का प्रभाव में आ जाते हैं। ये सत्य है ना? सत्य है बच्चों। हम जिस देश में जाते हैं ऐसा हम लोग अपने आप को डाल सकते हैं और उसके प्रभाव के साथ हम चल सकते हैं। प्रकृति के साथ हम ऐसा प्रभाव देखते हैं, ये तो सत्य है। इसलिए मनुष्य कभी भी उसकी पहचान, आइडेंटिटी कैसा करता है, उसकी संगत से। जो अच्छी संगत होती है, यदि उसकी संगत बुरी होती है तो वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा व्यक्ति बनेगा तो यदि व्यक्ति का अच्छी विचार से, उसके स्वभाव से प्रभावित होकर अच्छा बनता है। हमें हमेशा याद रखना है, यदि यही प्रयास करना चाहिए कि हमें हमेशा चरित्रवान, निष्ठावान बनना है, तो ऐसे व्यक्तियों का विचार हम लोग पढ़ना है और उसके आदर्श हमारे जीवन में लेना है, उसके हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। जो जैसा माहौल, माहौल मतलब बिहेवियर में, जैसा माहौल में या उसके संगत में रहता है उस पर वैसा ही असर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग सत्य के संगत में ही चलना है बच्चों। सत्य के संगत में चलने से हम सत्य के राह पे, सत्य के मार्ग से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान भी पा सकते हैं। इस आधारित सत्य संगत या अच्छे संगत के आधारित, के इस प्रभाव के आधारित पर ये लेसन हम लोग देख सकते हैं। लेसन नंबर 2, संगत का प्रभाव बच्चों देखेंगे। चलो हम पढ़ेंगे अभी, मेरे साथ आप भी दोहराइए, मतलब रिपीट कीजिए। ये लेसन में एक राजा और दो तोते थे। तोते मतलब बर्ड्स, पक्षियाँ थे। वो दो पक्षियों का ही इस लेसन में जो व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, वही हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों अभी देखेंगे।
लेसन नंबर 2 संगति का प्रभाव। पुराने समय की बात है, एक राजा शिकार करने के लिए किसी जंगल से गुजर रहा था। उसके साथ एक बड़ा काफिला भी था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा चलते चलते अपने सैनिकों से आगे निकल गया और घने जंगल में घुस गया। अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि आम के पेड़ पर बैठा तोता तेज आवाज में चिल्लाने लगा, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ। असल में उस स्थान पर डाकू रहते थे। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। राजा अकेला था। वह तेज चलकर वहां से दूर निकल गया और महात्मा की कुटी के पास पहुंच गया। वहां एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आइए राजन, हमारे महात्मा की कुटी में पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गए। वह सोचने लगा कि एक ही जैसे दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। फिर वह साधु की कुटिया में चला गया। साधु ने फिर राजा को ठंडा जल दिया और विश्राम करने को कहा। बच्चों, हम लोग इस लेसन को देखा है अभी, है ना। पुराने समय की एक बात है, एक राजा था उस गांव में। वो राजा अक्सर शिकारी पर जा रहा था, शिकार करने के लिए जा रहा था एक घने जंगल में। ऐसे ही गुजर रहा था, उधर से पास हो रहा था जंगल में। उसके साथ एक बड़ा काफिला मतलब उसके साथ चलने वाला एक ग्रुप, उसको हम काफिला कहते हैं। दूर दूर तक शिकार नज़र नहीं आता, दूर दूर तक शिकार उसको नज़र नहीं आता। चलते 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 अपनी राजा मतलब उसके साथ उसके सैनिक भी रहते हैं ना, सोल्जर भी रहते हैं उसके साथ, वो निकल पड़ता है। उसके जो ये सैनिक थे उसके साथ निकल गया घने जंगल में, मतलब इतना घना था कि सूर्य की किरण भी नहीं आ पाती थी उस जंगल में, इतना घना था, इतना डार्कनेस था जंगल में। घुस गया मतलब उसमें प्रवेश कर दिया, घना जंगल में प्रवेश कर दिया। कुछ ही दूर पहुंचा था कि आम के पेड़ पर बैठा तोता तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा। वो उसमें घुस गया जंगल में, राजा घुस गया। उधर एक आम का पेड़ था, उस पेड़ पर ये तोता बैठा था और चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। क्या बोलने लगा वो, इसके पास बहुत सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ। मतलब वो किसको कह रहा था, हम इधर समझ सकते हैं क्या कह रहा है। उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, छीन लो उसके पास से सामान, छीन लो। असल में उस स्थान पर कौन रहते थे, डाकू रहते थे। वो जो चिल्ला के बोल रहा था तोता, उसके
स्थान पर वो डाकू रहते थे। आवाज़ सुनकर, तोते की आवाज़ सुनकर डाकू लोग ने बाहर दौड़ कर आए, मतलब फास्ट रन करके आए। राजा अकेले था क्योंकि आगे निकल गया था, सैनिक नहीं थे साथ में, अकेला था। वो तेज़ आवाज़ देखकर चलकर आए डाकू, देखते ही राजा खड़ा था। महात्मा की कुटी आती है, मतलब तेज चलकर वहाँ से दूर निकल गया और महात्मा की कुटी आती है, देखते हैं वो पास हो जाता है। और महात्मा ऋषिवरि रहते हैं ना, उसको महात्मा कहते हैं। ये कुटी रहती है हट, कुटी के पास पहुँच गया। वहाँ एक बरगद का पेड़ भी था, बरगद का पेड़ मतलब बैनियन ट्री। जब ऋषिवर रहते हैं उधर, एक बैनियन ट्री रहता ही है। उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, और एक तोता कुटिया, ऋषिवर के कुटिया के पेड़ के ऊपर बैठा था तोता, वो बोल पड़ता है, आइए राजन हमारे महात्मा की कुटी में पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। एक तोता ऐसा बोला पहले वाला, दूसरा वाला इतना देरी इतनी मीठी आवाज़ से इस ध्वनि से बोलता है, आइए करके वेलकम करता है, विश्राम कीजिए हमारे महात्मा के कुटिया में। तोते की इस बात सुनकर राजा को हैरत होती है। इस बात सुनकर मतलब इसको इतना घबराहट होती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगा कि एक ही जैसे दो प्राणी का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। फिर वह साधु के कुटी में चला गया, साधु के कुटिया में चले गए। सोचते सोचते कुटिया में प्रवेश करता है, उधर साधु ऋषिवरि रहते हैं। फिर राजा को ठंडा जल दिए और विश्राम करने के लिए कहा। बच्चों अगला वाला भाग हम अगले क्लास में देखेंगे बच्चों, और जो ये भाग में आया है उसका हम कठिन शब्द और उसके इंग्लिश मीनिंग देखेंगे अगले क्लास में। इसका हम अगला वाला पैरा देखकर इसका अगली स्टोरी क्या होती है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद।